हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आपको बता दूं कि अभी मैं हूँ झारखंड राज्य के फेमस और मशहूर सिटी जमशेदपुर मानगो में। और गाइस, अभी मैं निकल रहा हूँ झारखंड के बहुत ही फेमस पार्क जुबली पार्क के लिए, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस और नामी पार्क है। कहा जाता है कि जमशेदपुर झारखंड का दिल धड़कन है और हिंदुस्तान के फेमस पार्क में से भी एक पार्क जुबली पार्क कहलाता है। बहुत ही खूबसूरत पार्क है सुनने में आया जैसा कि। तो चल के देखते हैं कि ये जमशेदपुर झारखंड का कैसा दिल धड़कन दिखता कैसा है नज़दीक से। और अभी बज रहा है सुबह का 6:43। और जैसा कि बता दूं आपको कि जुबली पार्क पड़ता है साक्ची में, और अभी हम हैं मानगो में, और मानगो से लगभग 15 मिनट का रास्ता है, 6 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से जुबली पार्क। तो निकलते हैं अभी सुबह अभी हम हैं बाइक पे और निकलते हैं यहाँ से, लगभग 15 मिनट लगेगा। तो गाइस, बने रहे वीडियो में लास्ट तक, चलते हैं देखते हैं जमशेदपुर की धड़कन, जमशेदपुर की जान, जुबली पार्क। तो गाइस, देख रहे हैं अभी उस साइड से अभी हम आए हैं और ये गोलंबर से क्रॉस करते हुए यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे जाना है कि आपका साक्षी से इधर में गुलंबर से रूट कट जा रहा है। ये देख रहे हैं आप सामने जुबली पार्क दिखा रहा है। तो चलते हैं अभी इधर सामने। तो गाइस, अभी हम आए हैं इस साइड से और यहाँ से गुलंबर क्रॉस करते हुए अभी हमको जाना है इस साइड में। यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने में जुबली पार्क जू शो कर रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं हम अंदर, यहाँ से एंट्री करते हैं। ये मेरा एंट्री गेट है जुबली पार्क का। वेलकम टू जुबली पार्क। इधर से गाड़ी ले जाना मना है। तो अभी हम चलेंगे इस साइड से और इधर में जो रोड दिख रहा है वहाँ से अभी हमको चलना है। तो गाइस, चलना है अभी जुबली पार्क के लिए हमको, मेन पार्क के लिए इधर से। तो चलते हैं आगे। तो गाइस, फाइनली पहुंच गए अभी हम जुबली पार्क के पास और 15 मिनट लगा लगभग। और यहाँ पे मैंने अभी गाड़ी पार्क कर दिया है। यहाँ पे पार्किंग फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पार्किंग चार्ज नहीं लगता है। और अभी हम गाड़ी पार्क कर दिए हैं और टाइम हो रहा है, देख रहे हैं जैसे कि 7:03। तो चलते हैं गाइस जुबली पार्क के मुगल गार्डन की तरफ। और जैसा कि देख रहे हैं अभी मैंने इधर में गाड़ी को पार्क किया है और यहाँ पर शो कर रहा है बोर्ड में मुगल गार्डन मेरा लेफ्ट साइड है, जो कि इस साइड में पड़ता है। और मेरा यहाँ पर लेज़र शो और जू वगैरह यहाँ पे राइट में इधर जाके है लेक वेक। तो अभी हम चलते हैं मुगल गार्डन की तरफ, यहाँ से मुगल गार्डन में एंट्री करते हैं। वैसे मुगल गार्डन गाइस जाने के लिए आपको आगे से भी, इस साइड से भी आगे जाके भी मेन गेट है, लेकिन अभी हम इधर से ही चलते हैं और यहाँ से एंट्री करते हैं आगे मुगल गार्डन की तरफ। और इधर से गाइस एंट्री होता है मुगल गार्डन का। चले अभी यहाँ पे देख रहे हैं सुबह का टाइम है तो जॉगिंग के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आए हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे जाके मुगल गार्डन है कैसा, जमशेदपुर की जान, जमशेदपुर की धड़कन। तो गाइस, मुगल गार्डन में एंट्री करने के साथ जिधर से मैंने अभी एंट्री किया वहां पे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यहां पे रोज गार्डन है, जहां पे अभी बाउंड्री से किया हुआ है आपका ग्रिल बाउंड्री किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अंदर में रोज के बहुत सारे गुलाब के पेड़ हैं, हर तरह का गुलाब है यहाँ पे। आइए देखते हैं बैक कैमरे से। तो गाइस, ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको मुगल गार्डन में रोज़ गार्डन भी देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे गुलाब के पेड़ हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा फूल नहीं है सब पेड़ में, लेकिन फिर भी यहाँ से आप देख रहे हैं गुलाब गार्डन है यहाँ पर, रोज़ गार्डन। यहाँ से इसका एंट्री है, लेकिन एंट्री के लिए लॉक किया हुआ है एंट्री रोज़ गार्डन। और चलते हैं गाइस अब आगे की तरफ, देखते हैं जाके मुगल गार्डन, चलते हैं रोज गार्डन से मुगल गार्डन। ये आप देख रहे हैं सामने में आपको दिख रहा है मुगल गार्डन, यही है जुबली पार्क का मुगल गार्डन। तो आइए चलते हैं इधर से, एंट्री करते हैं मुगल गार्डन की तरफ। एक्चुअली गाइस, अभी बता दूं कि मैं अपोजिट साइड से आया हूँ, पीछे साइड से, मेन गेट की तरफ से एंट्री नहीं की है।
तो चलते हैं आगे, आपको ले चलते हैं मेन गेट की तरफ और मेन एंट्रेंस की तरफ से दिखाते हैं मुगल गार्डन कैसा दिखता है। तो बने रहे वीडियो में गाइस लास्ट तक। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे जमशेद जी टाटा का पार्क बनाया हुआ है और यहाँ पे सामने में आपको जमशेद जी टाटा का स्टैचू देखने को मिल जा रहा है, लेकिन इधर से भी एंट्री बंद है, इधर से पब्लिक को एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने में आपको जमशेद जी टाटा का स्टैचू है यहाँ पे, और ये यहाँ पे पार्क है छोटा सा। तो गाइस इस गेट से होता है मेन एंट्री जो सामने में है थोड़ी दूर आगे, तो हम इधर से नहीं आके हम इधर से भी एंट्री किए थे। तो चलते हैं अभी इधर से देखते हैं, इधर से मेन स्टार्टिंग होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मुगल गार्डन पे, देख रहे हैं आप, ये रहा मुगल गार्डन और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है गाइस यहाँ का। देखते हैं अभी इधर से, और ये गाइस ये यहाँ से देख रहे हैं कमाल का व्यू आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये, देख रहे हैं आप। और यहाँ पे बहुत अच्छा कटिंग करके बनाया हुआ है, सोफा टाइप में लग रहा है ये। और इधर में देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत पार्क है ये, कमाल का पार्क है गाइस सच में, फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही खूबसूरत पार्क। चलते हैं आगे इधर से देखते हैं। सच में कमाल का लग रहा है गाइस यहाँ से जुबली पार्क, मुगल गार्डन। यहाँ पे देख रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आए हैं यहाँ पे, तो अभी एक्सरसाइज करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये देख रहे हैं गाइस इधर से इसका मेन व्यू, अगर ड्रोन कैमरा होता तो काफी कमाल का इसका व्यू आता। कमाल का सच में गाइस बहुत ही खूबसूरत पार्क है, काफ़ी अच्छा तरह से यहाँ पे देख रहे हैं आपको काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है यहाँ पे, गोल गोल कतली कतली हार्ट शेप में यहाँ पे चारों साइड में है और बीच में चौड़ा स्क्वायर में, और कमाल का लग रहा है गाइस यहाँ से देख रहे हैं आप। काफ़ी दूर में गाइस बता दूँ गाइस कि आपको ये पूरा जुबली पार्क लगभग 500 एकड़ में बनाया हुआ है, जो कि बहुत बड़ा होता है 500 एकड़। आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा पार्क है यहाँ पे और फ्री ऑफ कॉस्ट और काफ़ी खूबसूरत। जैसा कि बताया मैंने कि मैंने अभी इधर से एंट्री किया था और इधर में तो कुछ वैसा लॉक वॉक था नहीं, हमको तो लग रहा है 24 घंटा आदमी आ सकता है, बाकी सेक्रेटरी होता होगा कुछ तो मना करता होगा। बाकी चलते हैं इधर में सेक्रेटरी से पूछते हैं, सामने में सेक्रेटरी बैठ के फिर के छाँव में, तो इनसे पूछते हैं क्या टाइमिंग चल रहा है अभी पार्क का। सर टाइमिंग क्या चल रहा है ये पार्क का? सुबह 5 बजे खुल जाती है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा अभी मैंने गार्ड से पूछा तो बोले सुबह 5 से और शाम 9 का टाइमिंग चल रहा है, और एंट्री फीस यहाँ पे पार्क में है नहीं, और इतना बड़ा पार्क है तो वैसे बहुत ही अच्छा पार्क है और एंट्री फीस भी नहीं है, तो बहुत सही है यहाँ के लिए, जमशेदपुर के लिए सही में यहाँ का दिल धड़कन है ये जुबली पार्क, कमाल का है गाइस ये जुबली पार्क सच में। इतना बड़ा पार्क अगर बंगाल के अंदर होता तो एंट्री फीस ज़रूर लग जाता, लेकिन इतना खूबसूरत पार्क और फ्री नो कॉस्ट, बहुत ही अच्छा पार्क है। और टाइमिंग भी काफ़ी है, सबसे बड़ा तो टाइमिंग को लेके इशू होता है, लेकिन टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है और इसका क्लोज भी नहीं है किसी दिन, पार्क पर डे खुला हुआ है हर दिन, किसी दिन भी क्लोज नहीं है। यहाँ पे अभी पानी वानी बंद किया हुआ है, नहीं तो इसका अगर पानी चलता तो बहुत ही जानदार लगता है यहाँ से, ये देख रहे हैं आप कमाल का लगता है यहाँ से, अगर इसका पानी खोल दिया जाता तो
लेकिन यहाँ पे इसका पानी बंद किया हुआ है। तब भी वैसे भी पानी नहीं चलने के बाद भी देख रहे हैं आप इसका खूबसूरती, बताने का ज़रूरत नहीं, बहुत ही जानदार खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। वीडियो में भले ही इतना ज़्यादा अच्छा फील ना हो, इतना ज़्यादा आप इंजॉय ना कर पाए, लेकिन अगर सामने से आप इसको देखते हैं नज़दीक से तो सच में कुछ अच्छा सा फील होगा कि हाँ कुछ अच्छे जगह पे हम आए हैं, कुछ अच्छे पार्क में। रियल कमाल का लग रहा है बहुत इधर से भी, और यहाँ से इसका पानी चलता तो और भी शानदार लगता शाम के टाइम में। सोचिए इसमें पानी का फुहारा चल रहा हो और इस चेयर पे हम लोग बैठ के और म्यूज़िक का एंजॉय करें तो क्या जानदार का मज़ा आएगा। यहाँ से देख रहे हैं ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया और यहाँ से दूसरा उतरता है डाउन, ऊपर से यहाँ से ऊपर है और हाइट से थोड़ा थोड़ा डाउन होते होते आगे रोड से मिल जाता है ये पार्क। और देख रहे हैं कितना खूबसूरत बनाया हुआ है इसको, कोना कोना से डिज़ाइन देखे और बीच में जस्ट फूल टाइप का काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है इसका। इसका अगर सही मज़ा लिया जाए, अगर सही मज़ा अगर कहीं से आता है तो गाइस, अगर ड्रोन हो किसी के पास तो ड्रोन से इसका सही वीडियो आएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पार्क है। और देख रहे गाइस कमाल का लग रहा है यहाँ से, और ये इतना बड़ा देख रहे हैं, सच में तारीफ लायक है ये पार्क। अब देख रहे हैं अगर इसको चला दिया जाता इसमें पानी का फुहारा टाइप में तो और भी जानदार लगता है, जो कि अभी पानी का फुहारा बंद किया हुआ है। हमेशा चलता नहीं होगा एनी टाइम क्या चलाना, लेकिन अगर नहीं चलाने पे बाद भी इतना खूबसूरत लग रहा है तो आप देख रहे हैं अगर इसको चला दिया जाता तो कितना खूबसूरत लगता। सच में गाइस तारीफ लायक पार्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। बीवेयर ऑफ स्नैक्स पार्क में गाइस, जंगल है तो हो सकता है सांप निकले, इस वजह से आपको सावधान रहना है यहाँ पे। तो गाइस जैसा कि आपको बता दूं कि 1937 में इसका काम स्टार्ट हुआ था ये मुगल गार्डन का, और श्री एस लैंगस्टर ने इसका काम स्टार्ट किया था, लेकिन किसी वजह से कुछ दुविधा आने की वजह से ये बीच में रुक गया था। फिर 1955 में जमशेद जी टाटा ने इसका रीओपनिंग किया और 1955 से आज तक ये गाइस देख रहे हैं इतना खूबसूरत पार्क मेंटेन में चल रहा है और काफ़ी अच्छा पार्क है। 1955 से आज काफ़ी साल हो गया और काफ़ी बड़ा पार्क है। जैसा कि बता दूं आपको कि 500 एकड़ में ये पार्क बनाया गया है, लगभग 2 किलोमीटर आता है ये 500 एकड़, तो काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ पे आपको रोज़ गार्डन, मुगल गार्डन, आपको बच्चों के लिए स्कर्टिंग वगैरह भी मिल जाएगा। अपोजिट में इसके आप जाएंगे तो आपको जू भी देखने को मिल जाएगा। बता दूं गाइस आपको कि 3 मार्च को यहाँ पे संस्थापक दिवस होता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत मनाया जाता है। यहाँ पे लाइट से बहुत अच्छा सजाया जाता है, मैंने भी एक वीडियो में देखा था जो कि 3 मार्च का बहुत ही खूबसूरत पूरे गार्डन को लाइट से सजाया जाता है संस्थापक दिवस के लिए। तब 3 मार्च को अगर आप आ सकते हैं, अगर लोकल से हैं या फिर आपके लिए पॉसिबल है 3 मार्च को आना, तो गाइस 3 मार्च को विजिट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लगता है ये लाइटिंग से जब सजाया जाता है इसको 3 मार्च को। इसी मुगल गार्डन के अपोजिट में गाइस आपको जू भी देखने को मिल जा रहा है, जो कि टाटा जमशेद जी के तरफ से ही बनाया गया था। और इसका अपोजिट में जिधर मैंने गाड़ी पार्क किया था उसके अपोजिट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर लेक भी है और जू भी है। तो लेक के लिए अभी हम चलेंगे, जू आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि इसी वीडियो में अगर डाल दूं तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो गाइस इधर अभी हम आए हैं मुगल गार्डन की तरफ से, और इधर इसके अपोजिट में जाना है हमको लेक, यहाँ पे देख रहे हैं आप लेक लिखा भी हुआ है, तो इधर चलना है लेक की तरफ। तो आइए चलते हैं लेक की तरफ। ये रहा गाइस यहाँ का लेक, देख रहे हैं आप जुबली पार्क का ये रहा लेक, और खूबसूरत है वैसे। चलते गाइस लेक से आगे की तरफ, देखते इधर में क्या है आगे चल के। इधर में गाइस यहाँ पे लेजर शो म्यूजिकल फाउंडेशन, जो कि अभी
एंट्री फीस 50 दिखा रहा है और बंद क्या हुआ है, पता नहीं टाइमिंग खुलता है कितने बजे। और ये रहा गाइस टाटा स्टील, बीवियर देख रहे गाइस 20 फीट गहरा तालाब है, इसलिए इसे डिस्टेंस बना के रखें क्योंकि डीप है 20 फीट, यहाँ पे आपको शो कर रहा है। और ये गाइस अभी बंद चल रहा है यहाँ पे लेज़र। तो गाइस फाइनली अब हम निकलते हैं जुबली पार्क मुगल गार्डन से। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको जुबली पार्क जमशेदपुर का, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें इससे मोटिवेट मिलता है गाइस कि कैसा हम बनता है हमारा वीडियो, कैसा लगा वीडियो। और जो गाइस अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह के ब्लॉगिंग से, इसी तरह के टूरिस्ट पैलेस से आपको हम जोड़े रहें और दिखाता रहें आपको। तो गाइस जुड़े रहें आमिर वर्ल्ड के साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।